अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ। आज मैं हलवा कद्दू बना रही हूँ, इसे पम्पकिन और मीठा कद्दू भी कहते हैं। ये मैंने 2 किलो लिया है, 2 किलो वज़न था इसका, और इसके लिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, 3 टमाटर हैं, और इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डलेगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी का। गरम मसाला इसमें डलेगा 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1-1 टेबल स्पून, और 2 टीस्पून ज़ीरा, 5 से 6 हरी मिर्चें कटी हुई, और 1 कप ऑयल। चलें आइए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है कढ़ाई में, और इसमें अब जो 3 प्याज काटी थी वो डालूंगी। प्याज अब ब्राउन हो गई है, अब इसमें अदरक लहसुन डालेंगे, इसको भी फ्राई करेंगे। एक मिनट तक इसको मैं फ्राई करूंगी, फिर वापस आते हैं। अदरक लहसुन फ्राई हो गया, अब इसमें जीरा शामिल कर लें। इसमें टमाटर डालूंगी, और तीनों मसाले, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, इसको भी भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला ना जले। ये मसाले और टमाटर मिक्स हो गए अच्छी तरह, अब इसमें कद्दू डालूंगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कद्दू अच्छी तरह से मिक्स हो गए, अब इसको कवर करके रखेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, और 5 मिनट बाद मैं देखूंगी इसका कितना पानी निकला है। अब इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट्स बाद मैंने इसको खोला है। बीच बीच में मैं देख रही थी इसका पानी निकल रहा था, लेकिन ये गले नहीं थे। अब ये 45 मिनट्स बाद जो है ये गल गए। अब मैं इसको मैश करूँगी और फिर भूनूंगी। कद्दू हो गए अच्छी तरह से मैश, अब इसको तेज आंच करके इसको मैं भूनूंगी। जब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया, अब इसमें मैं हरी मिर्चें डालूंगी। कर लेंगे अच्छी तरह, और अभी थोड़ी देर और भूनेंगे कि ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह अलग हो जाए। अब ये बिल्कुल भून चुका है और हलवा कद्दू बिल्कुल तैयार है।